थोड़ी एक दो माहिती और देता। वो माहिती ये देनी है कि मान लो गर्भाधान हो गया, अभी क्या करना। एक तो गर्भाधान के पहले के मैंने आपको कुछ नियोजन बताए सुस्त रूप में, अभी गर्भाधान हुआ फिर क्या करना, तो उसके लिए भी सतत कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना है। उनमें से पहली एक वस्तु, एक बात, एक माहिती जरूर याद रखनी है, गर्भाधान होने के बाद बहुत 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 सावधानी से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। आपकी एक छोटी सी असावधानी जीवन भर की आपकी जो मेहनत है उसको बेकार कर सकती है। इसलिए गर्भाधान होने के बाद बराबर ध्यान रखना है एक बात का, वो ये कि आपका भोजन, आपका जीवन अच्छा होते ही जाना चाहिए। गर्भाधान के पहले तो अच्छा है ही, होने के बाद तो और भी अच्छा होना। तो अच्छा होने से मतलब क्या है, दूध, ताक, दही, लोनी, सूप, ये भरपूर खाना है, बिल्कुल चिंता मत करिए। उसके बाद पतला होने का भी बता दूंगा मैं। गर्भाधान होने के पहले का जो नियोजन मैंने बताया, बाद का भी उतना ही जरूरी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गर्भाधान होने के बाद दूध, सूप, लोनी, दही, ताक, ये भरपूर खाना है। और हमेशा याद रखना है गाय का खाना है। सूप तो जितना खाएं उतना अच्छा। फिर आपके मन में आएगा वजन बढ़ेगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। गाय के सूप से कभी किसी का वजन नहीं बढ़ता, वजन बढ़ता है मशी के सूप से। मैं बार बार कह रहा हूं गाय का सूप खाना है, मशी का नहीं खाना, वजन नहीं बढ़ेगा। गाय का दूध, मशी का नहीं पीना, गाय का पीना तो भी वजन नहीं बढ़ेगा। तो सूप, दूध, दही, लोनी, ताक, घी, मक्खन, ये सब खाना एक। दूसरा, भरपूर कैल्शियम आपके शरीर में रहे, क्योंकि आपको और आपके बच्चे को दोनों को डबल कैल्शियम अब चाहिए। तो चूने की मात्रा लगातार खाती रहनी है, बढ़ा दिए तो और ही अच्छा है। दही में, ताक में चूना बराबर खाते रहना। केला भरपूर खाते रहना है, क्योंकि केले में भरपूर कैल्शियम है। फुटाने, शेंगा भरपूर खाते रहना है, दोनों में कैल्शियम है। तिल खाते रहना है, उसमें भरपूर कैल्शियम है। ये आप छोड़ो, ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, नहीं, आप भरपेट खाओ। आप जितना खाना चाहते हैं केला खाओ, कुछ त्रास हुआ तो मुझे फोन कर लेना। तो आप गर्भाधान के समय में ऐसी चीजें भरपूर खाइए जिसमें कैल्शियम है, ऐसी चीजें भरपूर खाइए जिसमें आयरन है। ये दूसरी बात ध्यान रखिए। तीसरी बात, समय से भोजन और समय से आराम, ये गर्भाधान के बाद बहुत आवश्यक है। समय से भोजन का मतलब है लंच आपका 10 बजे के आसपास होना ही चाहिए, और डिनर शाम को 5-6 बजे के आसपास होना ही चाहिए। लंच 10 बजे, डिनर शाम के 5-6 बजे। हाँ, बीच में अगर भूख लगे तो जूस पीना, फल खाना, फुटाने खाना, शेगा खाना, गुड़ खाना, तिल पट्टी खाना, गुड़ पट्टी खाना बीच में, और सुबह शाम भोजन भरते 9-10 बजे सुबह, 5-6 बजे शाम को। एक भोजन से दूसरे के बीच 8 तास का अंतर गर्भवती आई के लिए। और दूसरा एक ध्यान ये रखना है कि पहले महीने से 7वें महीने तक थोड़ा थोड़ा श्रम करते रहना। श्रम मैंने बताया, जाता चलाना एक है, सिल बट्टे पे चटनी करना एक है, कपड़े धोना एक है, झाड़ू पोछा करना एक है। ये काम अपने हाथों से ही करें तो अच्छा है, मशीन से ना करें, क्योंकि जितना आप कर लेंगे उतना डिलीवरी टाइम में आपको असुकून रहेगा, पेन कम होगा, तकलीफ कम होगी, त्रास कम होगा। ये एक ध्यान रखना है। और एक आखिरी ध्यान इस बात का रखना है कि पूरे पहले महीने से 8वें-9वें महीने तक, 9 महीने 9 दिवस 9 घंटे, एग्जैक्ट टाइम ये है, 9 महीने 9 दिवस 9 घंटे, ये गर्भाशय के पूरे होने का समय है। इतने दिन तक आई को, पत्नी को कुछ मानसिक त्रास नहीं होना, कैसा भी किसी भी तरह का मानसिक त्रास नहीं, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा दुष्परिणाम होता है वो संतान को होता है।
आई को थोड़ा मानसिक त्रास संतास के ऊपर 10 फट बढ़ जाता है। आई को थोड़ा हलन चलन हुआ ना, संतान को 10 फट बढ़ जाएगा। तो आई को कुछ भी त्रास नहीं होना। अब इसकी जिम्मेदारी पूरे परिवार को लेनी है, पति को तो विशेष रूप से लेनी है, परिवार के दूसरे सदस्यों को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आई के साथ ऐसा कुछ ना हो जो उसको मानसिक त्रास वाला हो। जैसे हर एक व्यक्ति को, स्त्री हो या पुरुष, कुछ चीजें पसंद हैं, कुछ ना पसंद होता है ना, सबके जीवन में होता है। छोटे बच्चे को भी ये पसंद है, ये ना पसंद है, ये पसंद है। तो आई को जो जो चीज ना पसंद है वो उसके दिनों में नहीं होनी चाहिए घर में। अब उसकी एक सूची बना लो, ये चीज ना पसंद है तो ना हो, क्योंकि नापसंद वाली चीज होगी तो मानसिक त्रास होगा और उसका दुष्परिणाम आई को जितना होगा उससे ज्यादा बच्चे को होगा। और बार बार मानसिक त्रास अगर बच्चे को आपने दिया तो वो बच्चा जब पैदा होकर आएगा तो जिंदगी भर आपको त्रास देगा। ये आप ध्यान रखें, मैं आपको बहुत गंभीर बात कह रहा कि अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा, आई को मानसिक त्रास हुआ बार बार, तो बच्चा हो गया, फिर जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो ऐसा मानसिक त्रास देगा कि जिंदगी भर आई और बाबा रोते रहते। बहुत बार बच्चों को आपने देखा है ना, आई बाबा को रुलाते हैं। ये वही बच्चे हैं जो गर्भ के समय अपनी आई के पेट में थे और आई को मानसिक त्रास हुआ उससे ज्यादा बच्चे को हुआ, तो वो पूरा बदला निकालता है। तो आई बड़ी पूछते हैं कौन सा हमने कुकर्म किया था जो ऐसा हमारा बेटा हुआ। तो मैं उनको याद दिलाता हूँ कि याद करो, तुमने गर्भाशय के समय जब ये था क्या क्या त्रास दिया था। तो उनको याद नहीं आता, फिर खोद खोद के याद दिलाते हैं तो फिर पता चलता। तो इस बात का आप हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखें। ग्रहण का असर होता है, सभी ग्रहण का, सूर्य ग्रहण हो रहा है, चंद्र ग्रहण, शरीर पर असर है तो बच्चे पे भी असर है। इससे तो हमेशा आप बचने की कोशिश करें। तो अब सूर्य ग्रहण जो है बच्चे के लिए तकलीफ वाला माना जाता है, चंद्र ग्रहण उसका नहीं है लेकिन सूर्य ग्रहण तो बहुत तकलीफ वाला है। तो जब सूर्य ग्रहण का समय हो तो आई को सूर्य ग्रहण के सामने नहीं आना। ये एक ही बात के लिए है कि आप थोड़ा आराम ज्यादा करो। सूर्य ग्रहण वाले दिन पता है क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है क्योंकि सूर्य के कारण, और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो एक ही बात है, शरीर को ज्यादा त्रास मत दो, शांत रहो, आराम करो। इसीलिए कहा जाता है ये काटो मत, वो काटो मत, ये छेड़ो मत, वो छेड़ो मत, उसका आराम से संबंध है सीधा सीधा, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय में सबका बीपी बढ़ा हुआ है और आई जो गर्भावस्था में है उसका तो और भी ज्यादा बढ़ा हुआ है। एक तो बच्चे के कारण बीपी बढ़ा हुआ है, ऊपर से सूर्य का ताप है, फिर ग्रहण का है, ये तीन कारणों से बीपी बहुत बढ़ा हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा शांति से रहो, आराम से। कुछ समझ में आ गया? अच्छा, अब मुझे कुछ प्रश्न आए हैं उनका मैं उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। आपके प्रश्न है तो आप भी पूछ सकते हैं। एक प्रश्न आया है कि कोई पति को और पत्नी को बच्चे नहीं होते क्या करना। ये व्यक्ति जो भी प्रश्न कर रहे हैं वो मुझसे व्यक्तिगत मिले, क्योंकि उनका सार्वजनिक उत्तर नहीं है। किसी का कोई तकलीफ है, किसी का कोई तकलीफ, किसी में पति को तकलीफ है, किसी में पत्नी को तकलीफ है, तो एक जर्नल उत्तर इसका मैं नहीं दे सकता। इसीलिए आप व्यक्तिगत रूप से मिले, नहीं तो मेरा नाम पता लिख लें, मुझे खत लिखें या ईमेल करें, विस्तार से आपकी माहिती मुझे दें तो विस्तार से ही मैं समझ के कोई औषध बता सकता हूं। अभी जितना विषय हुआ इसके बारे में समझ